निछत्र छत्ता जिस गायक दे गाने गा गा के गाउणा सिक्या गायक बनया जदों उस गायक दे सामने गाया तां उस गायक ने आपदी सोने दी चैन ला के निछत्र छत्ते नूं दित्ती। सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, मैं अवतार सिंह गौलक, तुसीं देख रहे हो तख्त लाहौर। कुछ गायक अजिहे होए ने जिन्हां ने बहुत नाम कमाया, नाम तो बहुत कमा लिया पर वो सारी उम्र गरीबी नाल घुलदे रहे, गरीबी विच जीवन बिताया। उन्हां दी मौत तों बाद उन्हां दे घर दे भी बेहद गरीबी विच जिंदगी बसर कर रहे ने। अज आपां गल कर रहे हां निछत्र छत्ते बारे। निछत्र छत्ते दा जन्म 18 जून 1969 नूं बठिंडा जिले के पिंड आदमपुर के बहुत ही गरीब परिवार च होया। उहदे पिता का नाम सदागर सिंह ते माता नाम अमर कौर सी। बचपन तो ही उस नूं गीत सुनन ते गाउण दा शौक सी, इसलिए वह खेतों में काम करते भी कुलदीप माणक दीआं कलियां गाउंदा रहिंदा। निछत्र छत्ते नूं गायकी विरासत विच मिली सी क्योंकि उन्होंने नानके गाउण वजाउण दा काम करते सन, पर घर की गरीबी करके वह गायकी के खेत्र विच छेती नहीं आ सकिया ते छत्ते नूं अपने गुजारे लई मजदूरी तक करनी पई। जे निछत्र छत्ते दे कैरियर बारे गल कीती जावे तो उन्होंने पिंड दे नाल बुरज राजगढ़ विच एक टूरनामेंट हो रहा सी। इस टूरनामेंट कई गायकों नूं बुलाया गया सी ते छत्ते ने इस टूरनामेंट स्टेज ते गायक मलूक चंद दा गीत चार दिन दी जिंदगी ते रख सांभ के गाया तां हर पासे छत्ता छत्ता हो गई। इस टूरनामेंट च मास्टर गुरबख्श सिंह अलबेला भी हाजिर सन। जदों उन्होंने छत्ते की आवाज़ सुनी उन्होंने छत्ते नूं अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस तों बाद छत्ता मास्टर गुरबख्श सिंह अलबेला नाल ड्रामे करन लग पिया। ड्रामिआं विच छत्ते नूं मुख भूमिका विच लिया जांदा सी। स्टेज दे ड्रामिआं विच पूर्ण भगत दा किरदार निभाउंदे निभाउंदे जदों स्टेज ते खड़न दा हौसला बन गया तां निछत्र छत्ते ने गाउणा भी शुरू कर दिता। वह गायकी विच अपनी किस्मत अजमाना चाहुंदा सी। इसे लड़ी च ही लोक संगीत मंडली भदौड़ अते सरस्वती रिकॉर्ड कंपनी दिल्ली नाल दो गीत रिकॉर्ड करवाए जो कि दाज दी लांत कैसट विच शामिल सन। पर निछत्र छत्ते नूं सब तों वध प्रसिद्धि 1987 च आई एल्बम रुत्त प्यार दी नाल मिली, जिस दे सारे ही गीत दर्शकों वालों बहुत पसंद किए गए। रुत्त प्यार दी एल्बम नाल छत्ते दी चर्चा वड्डे गायकां च होण लगी। रातों रात रुत्त प्यार दी गाने नाल स्टार बन चुकिया निछत्र छत्ता। खास करके एल्बम दे टाइटल ट्रैक रुत्त प्यार दी ने खासा फेम दवाया। 80 दे दहाके विच निछत्र छत्ते दा काफ़ी नाम बन गया सी। इस तों बाद छत्ते ने एक तों बाद एक लगभग 16 कैसटां कढ़ियां जिहड़ियां कि बहुत ही मकबूल होईयां। इन्हां कैसटां ते कुछ गाने इन्ने क मकबूल होए कि यानि कि अज भी इन्हां गाणियां दे कुछ लोग रिमिक्स करके अज भी मार्केट उतार रहे हैं। ये गाने अज भी उन्ने मकबूल हैं जिन्ने उस समय सन। निछत्र छत्ते दा गीत रुत्त प्यार दी पंजाबी फिल्म किस्सा पंजाब च रीमेक भी किया गया सी, जिस नूं मन्ना मंड ने गाया सी। इस गाने दा रीमेक भी सुपरहिट रहा। निछत्र छत्ते दा गाना हिट होने तो बाद फिर कुछ समा पंजाब विच काले दिनां दौरान कलाकारां दे प्रोग्राम बंद हो गए सन, पर बाद विच छत्ते ने एक दिन में 3-3 प्रोग्राम भी लाए। निछत्र छत्ता इन्नी हाई पिच ते गाउंदा सी कि उस समय दे जिन्हां दी तूती बोलदी सी कलियां दे बादशाह माणक वर्गे गायक भी उस दे फन दे कायल सन। एक बार दी गल है कि प्रोफेसर मोहन सिंह मेला चल रहा सी। प्रोफेसर मोहन सिंह मेले ते बहुत सारे कलाकार आए सन ते वारी वारी नाल गा रहे सन। ते जदों निछत्र छत्ते दी वारी आई तां उसने हिक दे जोर नाल जदों गाना गाया तां कोल बैठे कलियां दे बादशाह दंग रह गए। उन्हां पहलों निछत्र छत्ते नूं जफ्फी पाई ते फिर इनाम दे वजों अपने गले चों ला के सोने दी चेन निछत्र छत्ते दे गल पा दित्ती। निछत्र छत्ते ने माणके नूं कहा कि तुहाडे गाने गा गा के गाउणा सिखिआ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਗਾਇਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਫੋਣੀ ਆ ਧਮਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ 7 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਰੁੱਤ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਜਰਾ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਵਿਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦੇ ਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ। ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਛੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਛੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁਲਣ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਛੱਤਰ ਛੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਛੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।